एक और प्रोग्रेस अपडेट में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा सेक्शन का अपडेट देखा था और उसमें हमें ज़्यादातर हिस्से में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होता हुआ दिखा था। आज के इस वीडियो में हम वडोदरा से विरार सेक्शन का अपडेट देखने वाले हैं। इस सेक्शन को टोटल 13 पैकेज का काम लगभग 95% कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि आप और हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए NH48 की सहायता लेनी पड़ती है और अभी के दिनों में NH48 का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे डेली घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर इस एक्सप्रेसवे के तलासरी से विरार तक 3 पैकेज जो कि 11, 12 और 30 को कंप्लीट कर लिया जाता है तो तलासरी से विरार पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, जबकि अभी इसी सफ़र को तय करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। अपडेट शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे UPI ID है, उसके माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। इस पैकेज का लास्ट अपडेट हमने लगभग 3 महीने पहले देखा था। इन 3 महीनों में काफी कुछ बदलता हुआ हमें दिखाई देगा। ये धानु इंटरचेंज है और इसके जस्ट पहले से पैकेज नंबर 11 का स्टार्टिंग होता है। अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रहा है, इस वजह से आपको ड्रोन फुटेज में भी फॉग दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि धानु जवाहर रोड पे बनाए गए ब्रिज के ऊपर डेक स्लैब का काम लगभग अंतिम चरण में है और इसके एंट्री एग्जिट के रोड पे अभी अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। आप टोल यूटिलिटी बिल्डिंग का निर्माण होता हुआ देख सकते हैं। इस इंटरचेंज से आगे चलेंगे तो एक और पहाड़ी को फ्लैट होता हुआ देख सकते हैं, जिस पे अभी काम किया जा रहा है। लास्ट अपडेट को और अभी को कंपेयर करें तो लगभग ये पहाड़ी को फ्लैट कर दिया गया है, जिसका कुछ ही हिस्सा अभी बचा हुआ है। यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें PQC लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट अपडेट में यहाँ पे GSB और DLC का काम होता हुआ दिखा था। सामने आप देख सकते हैं जहाँ तक ड्रोन कैप्चर कर पा रहा है वहाँ तक आपको PQC लेइंग होता हुआ ये अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे तो हमें PQC लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लास्ट अपडेट में यहाँ पे अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। अभी यहाँ पे काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से ड्रोन फ्लाई होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार ड्रोन हैवी विंड प्रेशर की वजह से गिर चुका है। यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें दोनों 4 लेन पे PQC लेन का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साइड क्रेश बैरियर का इंस्टॉलेशन अभी किया जा रहा है। आगे भी आपको ये अलाइनमेंट 100% कंप्लीट दिखाई दे रहा है, जिसपे लेन मार्किंग, होर्डिंग और प्लांटेशन का काम ही होना बाकी है। फिर आगे दबचरी के पास में इस कंप्लीट अलाइनमेंट पे दोनों साइड पे क्रेश बैरियर और दोनों रोड के मिड में भी क्रेश बैरियर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि ड्रोन की मदद से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक ड्रोन फ्लाई नहीं हो पा रहा है। तेज हवाओं की वजह से ड्रोन एक बार और गिर चुका है और अभी इसके कैमरे सेटअप में प्रॉब्लम आ गया है। इस वजह से आगे के हिस्से का अपडेट हम ड्राइव करके देखने वाले हैं, क्योंकि काफी ऊंचाई से ड्रोन गिरने की वजह से वो क्रैश हो चुका है। फिर आगे उमरगांव रोड इस अलाइनमेंट को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लास्ट अपडेट की बात करें, इस रोड से 1 से 2 किलोमीटर के हिस्से में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था, जबकि अभी आप देख सकते हैं कि ये अलाइनमेंट 100% कंप्लीट किया जा चुका है और अभी मैं इस पे ड्राइव कर रहा हूँ। उमरगांव रोड के ऊपर बनाए गए ब्रिज के ऊपर कुछ कुछ हिस्से में फाइनल पीक्यूसी लेइंग होना बाकी है। फिर आगे चलेंगे तो हमें बैक टू बैक दो पब्लिक ओवरपास का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन दोनों ओवरपास पे अभी काम किया जा रहा है। इन ओवरपास के आगे कुछ दूरी चलने के बाद पैकेज नंबर 11 का एंड होता है, जबकि यहाँ से पैकेज नंबर 10 स्टार्ट होता है। अगर हम पैकेज नंबर 11 के समरी की बात करें तो हमें धानु इंटरचेंज के आसपास काम पेंडिंग दिखाई दिया है, जबकि धानु इंटरचेंज से आगे इस पूरे ही अलाइनमेंट पे हमें पीक्यूसी लेइंग होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें स्ट्रक्चर का काम भी कंप्लीट किया जा चुका है और साइड क्रेस बैरियर का काम भी लगभग कम्प्लीट किया जा रहा है। कैसा लगा आज का अपडेट आपको कमेंट करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।